फ्रेंड्स, ये देखो हमारे जब जो दादाजी थे ना, डैडी के ताया, वो जहाँ पे चक्की का काम करते थे, तो ये मशीन के अंदर लगे थे। उन्होंने अभी बाहर निकाल दिए, तो अंदर से भी मैं बताती हूँ व्यू। और देखो ये व्यू कितना प्यारा है। तो ये देखो, ये इस तरह से दिखती थी हमारी चक्की, जो कि बहुत ही पुरानी है। ये जब मैं और मेरी मतलब दो कज़न और थी ना, हम जो ये खिड़की दिख रही है, हम जहाँ से खड़े होके ना, तो जब चावल निकलते थे तो हम जहाँ से मांगते थे वो, तो मतलब हम कच्चे चावल बड़े खाते थे। खाती तो मैं आप भी हूँ, तो अभी तो जहाँ पे नहीं, लेकिन जहाँ पे बहुत रखे होता है, लेकिन अभी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज अपनी इस चक्की का भी आपको बताती हूँ। लेकिन अभी अब वो तो बेच दी है दादू, तो अभी वो रहे नहीं, तो अभी इन्होंने अभी नया सेटअप लगाया हुआ है चक्की का। एक चक्की हमारे उधर जब घर है ना उधर, तो एक चक्की उधर है, तो जो डैडी के मतलब ताया जी थे, एक उनका जहाँ पे करार था, तो एक वो इधर ही हमारे एक गांव है, तो एक वहाँ पे था। भैया जरा तेल आली ही थे। हाँ, जो मेरे जहाँ पे परदादा जी थे ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कपास, वो कपास लगाते थे जहाँ पे, लेकिन अब तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो उधर से नीचे से लेके ना, वो इधर नीचे से जो जो सारे घर बने हुए हैं, जो सारे हमारी ही ज़मीन पे बने हुए हैं, क्योंकि 20-25 साल पहले चाचू ने सारी बेच दी थी ये जगह। हाँ, इस पे आटा निकलता है, तो पहले तेल भी निकालते थे वो सरसों का, वो इधर लगी थी, लेकिन उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन जब से जब बनी है ना, पता नहीं कब से बनी होगी, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो बचपन से देख रही थी इसको। ये दरवाजे वगैरह सब पुराने लगे हुए हैं, ये देखो। और इस पर जब भी मतलब मुझे मौका मिले ना, तो मैं अपना जो वेट है वो यहाँ पर करती हूँ, ये देखो। तो मतलब एक यादगिरी है, मैंने बोला इसको भी है मतलब कैप्चर कर लेती हूँ। मुझे ऐसी वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, पुरानी, नया वाला मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता।